सलीम, ये क्या कर रहा है तू? फिर वही घटिया वाहियात हरकत। अल्लाह जाने कौन सा गुनाह किया था तो तेरी जैसी औलाद पैदा हुई। और ये क्या लगा रखा है? ये क्या चुन्नी? हाँ छोड़ से, मैं कह रहा छोड़ से। अब मैं तेरी हरकतों को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू चल निकल यहाँ से। बाहर निकल। अरे कहाँ गए हो? क्या करेगा, बजानी तो ताली है ना। आज से इसकी आदत डाल ले। कोई अपनी खुशी से नहीं करता, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। कोई अपनी खुशी से नहीं करता, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। हे, हे, चल उठ, तेरी यही औकात है। आज दिखाऊंगा मैं औकात। तो ये था मेरे जीवन का संघर्ष और आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ। बहुत संघर्ष किया सलमा आपने, लेकिन कहते हैं कि किन्नर बड़े बदतमीज होते हैं, पैसे मांगते हैं और उसके लिए लोगों को परेशान करते हैं। देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है, हमें समाज ने भी कब अपनाया। लेकिन आपके हक के लिए कई कानून बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइंस भी हैं। कानून बदलने से कुछ नहीं होता है, जब तक समाज का नजरिया हमारे प्रति नहीं बदलेगा हमारी हालत नहीं सुधरेगी। जो कामयाबी आपको मिली है उसको लेकर आपके परिवार का क्या कहना है? मैंने कई दफा कोशिश की अपने परिवार वालों से बात करने की, उन्होंने मुझे कहा कि तुम हमारे लिए कब की मर चुके हो। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है अपने ऊपर
कि मेरी ज़िंदगी में इतनी रिजेक्शन्स आए, उसके बाद मैंने एक नई शुरुआत करी. मैंने काम किया एज अ सेक्स वर्कर, एज अ स्टूडेंट, एज अ सोशल वर्कर, और उसके बाद इस मुकाम पर पहुंचने में मुझे अपने आप पे बहुत गर्व महसूस होता है. जी, हमें भी आप पर गर्व है सलमान. जिस तरह का संघर्ष आपने किया है, यह कई लोगों के लिए प्रेरणादायक है. बिल्कुल. थैंक यू सलमान हमसे जुड़ने के लिए, और आपके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं.